एक समय की बात है, एक मुर्गी खाने में एक लाल मुर्गी रहती थी। उसने अपना घर खुद बनाया था। वो दिन रात मेहनत करके अपना खाना खुद ही जमा करती थी। वो मुर्गी बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास जो तालाब था, उसके करीब ही एक चालाक लोमड़ी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत ही चालाक था। हमेशा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए अच्छा अच्छा खाने का शिकार करता था। लोमड़ी और उसकी बीवी की नज़र हमेशा उस लाल मुर्गी पर पड़ी रहती। लोमड़ी जब भी उस लाल मुर्गी को देखता, उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, ये लाल मुर्गी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं मेरी बीवी को ये तोहफे में देना चाहता हूँ। फिर हम इस मुर्गी को पकाएंगे बड़े बर्तन में। ऐसे ही एक दिन लोमड़ी ने अपना बाजार का थैला उठाया और अपनी बीवी से कहा, मैं उस लाल मुर्गी को पकड़ने जा रहा हूँ। आज रात को हम उस मुर्गी को खाएंगे। उसे पकाने की तैयारी करो और बड़े से बर्तन में पानी उबालो। तब तक मैं वापस आता हूँ। बीवी से ये बात कहकर लोमड़ी उस लाल मुर्गी के घर के पास चला गया। लोमड़ी की बीवी बहुत खुश थी और उसने मुर्गी को पकाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई निकाली। उसमें पानी और मसाला डालकर पानी को उबलने के लिए रख दिया। उसी वक्त वो लाल मुर्गी अपने घर से बाहर निकली और रात के लिए खाना जुटाने में लग गई। उसने चालाक लोमड़ी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा। लाल मुर्गी खाना खोजते खोजते घर से दूर चली गई। लोमड़ी ने सोचा कि यही मौका है और वह तुरंत मुर्गी के घर के अंदर घुस गया। लोमड़ी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो लाल मुर्गी के लौटने के बाद उसे कैसे पकड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो लाल मुर्गी अपने रात के खाने की थैली लेकर वापस लौटी। उसने घर में घुसकर घर का दरवाजा बंद किया। जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि मुर्गी के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो वो मुर्गी को पकड़ने के लिए उस पर टूट पड़ा। मुर्गी ने लोमड़ी के साथ बहुत हिम्मत से लड़ाई की। मुर्गी ने झट से अपनी थैली नीचे छोड़ी और वो उड़कर एक लकड़ी के ऊपर जाकर बैठ गई। मुर्गी ने बैठकर सांस ली और लोमड़ी से उसने कहा, ओह चालाक लोमड़ी, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम कितनी देर तक मुझसे बचने की कोशिश करती रहोगी? लोमड़ी ने देखा कि अभी मुर्गी को पकड़ना शायद मुमकिन नहीं है। ये मुर्गी बहुत होशियार है, बहुत फुर्तीली भी है, पर लोमड़ी भी बहुत चालाक है। लोमड़ी ने एक पल के लिए सोचा और उसने झट से अपने दिमाग में एक योजना बनाई और उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी तुम्हें पकड़कर रात को खाना चाहते थे। मैं मेरी पत्नी को निराश नहीं कर सकता। मुर्गी जहाँ ऊपर खड़ी थी, उसी के सामने नीचे जाकर वो लोमड़ी खड़ा हो गया और वो गोल 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 वहीं घूमने लगा। वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुर्गी सब कुछ ऊपर से देख रही थी और वो सोचने लगी, ऐसे तो लोमड़ी थक जाएगा। लोमड़ी और तेज अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगा। मुर्गी ध्यान से उस लोमड़ी की हरकतें देख रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि लोमड़ी आखिर कर क्या रहा है। लोमड़ी को गोल गोल घूमते देखकर मुर्गी का सर घूमने लगा और वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे लोमड़ी के थैले में जा गिरी। लोमड़ी ने थैले को अपने कंधे पर उठाया और वो तालाब की ओर चलने लगा। लोमड़ी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, मुर्गी कितनी स्वादिष्ट होगी। लोमड़ी धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मुर्गी को पकड़ने में उसकी बहुत मेहनत लगी थी। वो बहुत थक चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो एक भी कदम नहीं चल पा रहा था और उसने सोचा, लगता है रात होने में अभी काफी समय है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। लोमड़ी ने थैले को एक बड़े से पत्थर के पास रख दिया और वो पत्थर पर जाकर सो गया। बहुत जल्दी उसे नींद आ गई। लाल मुर्गी ने अपना दिमाग लगाया और वो थैले से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने लोमड़ी को सोते देखा और वो आश्चर्य में पड़ गई। लाल मुर्गी बहुत हिम्मत वाली थी। उसने हिम्मत जुटाकर बड़े बड़े पत्थर उस थैले से बांध दिए और फिर जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर चली गई। लोमड़ी की नींद टूटी
वो उठा लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने थैले को अपने कंधे पे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। लोमड़ी की बीवी ने उसे देखा और कहा, तो तुम लाल मुर्गी को ले आए? हाँ हाँ, क्या पानी गर्म हो गया? लोमड़ी की बीवी ने अपने मुंह से उस थैले को खोला और उस थैले को कढ़ाई में पलट दिया। सारे पत्थर उस गर्म पानी में गिरने लगे। खौलता पानी लोमड़ी और उसकी बीवी पर भी गिरा और दोनों की मौत हो गई। लाल मुर्गी ने फिर कभी उस चालाक लोमड़ी को नहीं देखा और वह खुशी खुशी शांति से अपना जीवन बिताने लगी।